इस सवाल को देखें, रूट ओवर थ्री प्लस एक्स प्लस रूट ओवर थ्री माइनस एक्स बटे रूट ओवर थ्री प्लस एक्स माइनस रूट ओवर थ्री माइनस एक्स बराबर टू है, देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, हम इस सवाल में कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे। पहले जरा हम कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है उसको जरा हम समझ लें। देखिए, हम लिखते हैं जैसे 6/2, अगर 6 को 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा ना, तो बराबर 3/1। इसमें कोई ये नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 6/2 बराबर 3/1। अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूं तो क्या हो जाता है, देखिए 6 और नीचे 2 है, तो पहले लिखते हैं 6+2 ऊपर लिखा, नीचे 6-2 लिखा, मतलब 2 को जो है एक बार ऊपर जोड़ा और एक बार 2 को जो है ऊपर के 6 से घटाया। अब देखिए बराबर क्या था, 6/2 बराबर 3/1 था, यहां 3/1 है, तो इसके लिए क्या किया, 3 के साथ प्लस 1 जोड़ा और 3 के से -1 किया। अब जरा इसको करके देखिए तो क्या होता है, 6+2/6-2 बराबर क्या होता है, 8/4 बराबर क्या होता है, देखिए यहां पे भी 3+1 4/2, 8/4 का भी मतलब 2 ही होगा, काहे कि 4 से भागा देंगे 8 तो 2 होगा, 4/2 का भी मतलब 2 ही होगा। तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो को इस सहजता से मैंने आपको समझाया। अब इसके इसके द्वारा हम क्या करते हैं इसको जरा देखिए। देखिए हमने लिखा हुआ है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब जैसे देखिए 6/2 था, हमने पहले ऊपर 6+2 किया था, यहां पर भी क्या है, रूट ओवर 3+x प्लस रूट ओवर 3-x बटेज में जो था तो उसको भी प्लस में ऊपर लेके आया, रूट ओवर 3+x माइनस रूट ओवर 3-x। देखिए अब प्लस रूट ओवर 3-x है और जैसे जोड़ेंगे तो नीचे वाला भी माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस रूट ओवर 3-x दोनों कट गया तो हो गया 2√3+x। उसी तरह नीचे का जो है √3+x माइनस √3-x है, अब नीचे भी क्या होगा 6-2 होगा, मतलब √3+x प्लस √3-x माइनस √3+x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3-x, तो इसमें क्या होगा √3+x जो है और माइनस √3+x जो है वो कट जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2√3-x। अब देखिए दो दो कट गया, इधर क्या था, दो था, दो को हम क्या लेते हैं 2/1 ले लेते हैं, तो फिर क्या हुआ 2+1 और 2-1 बराबर 3 है। इसे बढ़िया से समझ लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए, अगर नए नए नहीं समझ में आए तो करते करते इसको समझिए, इसमें कहीं पर भी कोई थोड़ा भी कहीं पर इफ एंड बट नहीं है। अब देखिए दो दो कट गया है, अब देखिए √3+x √3-x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, तो वर्क कर दिया तो रूट ओवर तो खत्म हो गया, तो ऊपर हो गया 3+x, नीचे का भी रूट ओवर खत्म हो गया 3-x और इधर जो 3 था वो स्क्वायर होके बन गया 9। अब तो सिंपल इक्वेशन है, हम 3-x को 9 से गुणा कर देते हैं तो 3+x बराबर होगा 9 × 27 − 9x। अब x x को जगह पे ला दिया तो 9x+x बराबर हो गया 27 − 3, मतलब 10x बराबर 24, तो फिर x बराबर क्या होगा 24/10 बराबर 12/5। बस यही आंसर है। देखिए लेकिन इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझने के लिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको समझते हुए अगर आपको नहीं पता था तो इसे 2-4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो बार बार आप में कंफ्यूजन लाएगा। और कंफ्यूजन अगर आता है तो जैसे मैंने लिखा है 6/2 = 3/1, उसको अगर 2-3 बार दिमाग में सेट कर देंगे तो फिर कंफ्यूजन भी कभी नहीं आपके पास आएगा।